अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शीबा। आप देख रहे हैं शीबा रियाज व्लॉग। आई होप आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला हम सबको परेशानी मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आबिदा जी ने मुझे बोला था कि मुझे जे वॉलेट जे का वीडियो चाहिए, तो सिस्टर वो बिल्कुल भी वीडियो बनाने नहीं देते। फिर भी मैंने कोशिश की है, आप इसको देख लें कि आगे जो है ई एफ जी शायद रेडी हुआ है, उसके पीछे जे भी बना रहे हैं, जे जे या जो भी उसके पीछे बना रहे हैं, बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चालू है बच्चे जी के साथ। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देख लें। तो यहाँ पर मैं अपनी बेटी की पसंद की कुकीज़ बनाने जा रही हूँ। हानिया को बहुत पसंद है, तो यहाँ पर मैंने दो कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। इस वाली कटोरी से गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें हमने सूखा वाला खोपरा डाल लिया, डेसिकेटेड कोकोनट जिसको बोलते हैं वो डाल के ले लिया है। और हमने यहाँ पे एक कटोरी बारीक वाला सूजी लेना है, सेमोलिना रवा जो भी आप बोलते हैं, ये सब इसमें चला गया। इतना सा हम इसमें नमक डाल रहे हैं, थोड़ा सा। अब हम यहाँ पर दो तीन स्पून घी डाल देंगे। कोई मेजरमेंट करके मैं नहीं ले रही हूँ, ऐसे अंदाज के मुताबिक डाल दूंगी। अभी इसमें हम दो तीन साढ़े तीन ये टीस्पून मैंने इसमें शक्कर डाला है, खड़ी शक्कर, मिक्स कर लेंगे सब कुछ। मैंने इसको मिक्स करके ले लिया है। अब ये मेरे पास गुलाब जामुन का जो सिरप होता है वो बचा था, इससे ही हम इसको गूंद के ले लेंगे। पूरा गूंद लेते हैं, इसके साथ ही पानी वानी नहीं डालना है, इसके साथ ही गूंदना है इसको। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, ग्राइंड करके ले लें और डाल दें। थोड़ा थोड़ा डाल के गूंद लेना, थोड़ा सा और लगेगा। इसका हाफ यहाँ तक था, थोड़ा सा बचा है, बाकी का मैंने इसमें गूंद कर ले लिया है। बस इसको रफली गूंद के ले लेना है, ज़्यादा गूंदना नहीं है इसको, ज़्यादा मिक्स नहीं करना, रफली ऐसे ही बिल्कुल सबको समेट के ले लेना है बस। अब इसको कुकीज़ का शेप दे देंगे, जैसी आपको पसंद है आप दे लें। तो ये मैंने ट्वाइस वाला बेलन ले लिया है, इससे मैं कर रही हूँ, बस हल्का हल्का सा इसको बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा पतले कुकीज़ नहीं रखने हैं। आप चाहें तो फॉक से की हेल्प से ऐसे डिज़ाइन बना लें, और चाहे तो छुरी से बना लें। ये जहाँ पे ऐसे है इसको हाथ से ऐसे बराबर कर लें, थोड़ा सा ऐसे कर लें।
वो जो है यहाँ पर मैं दूसरे टाइप से आपको बना के बता रही हूँ, तो आप इस टाइप से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा शेप दे लेंगे, सिलेंडर शेप, और फिर चपटा कर लेंगे और इसको हम छुरी से पतला, थोड़ा सा और चाहे तो पतला कर सकते हैं ऐसे। फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इनको पलट लेंगे, बहुत आराम से इनको पलट के लें, बहुत खास ख्याल रखें। मैं बीच में ना शूट करना ही भूल गई, एक साइड और हो जाएंगे तो इनको निकाल लेंगे। इतने मैं यहाँ पर पका भी चुकी हूँ, ये देखिए ठंडे हो जाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। अभी गर्म है, बहुत खस्ता, बहुत क्रिस्पी बिस्किट बनकर रेडी होते हैं, बहुत ही यमी होते हैं, और आटा बिस्कुट हेल्दी भी। तो यहाँ पर मैं फिर से पानी पूरी बना रही हूँ, पूरियाँ मैं बाहर से लाती हूँ और पानी ये सब घर पे रेडी कर लेती। तो यहाँ पर मैंने चटनी रेडी कर ली है, ये ग्रीन चटनी और ये मेरी जो इमली की चटनी होती है, वो सारा मैंने सब कुछ रेडी कर लिया, क्योंकि मेरी बहन और बहन के बच्चे आए हुए हैं तो बोल रहे थे नहीं खाला मेरे को पानी पूरी खाना था तो आप बना दो, तो वही मैं बना रही, यहाँ पर सब कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे मटर भी रेडी हो गए, भी रेडी हो गया, ये देख के बिल्कुल गर्म है। वो लोग अभी आए नहीं हैं, क्लब हाउस चले गए थे, तो मैंने सोचा जब वो आएंगे तब फिर मैं इनको निकालूंगी। यहाँ पर हमारे बिस्किट बनकर रेडी हो गए, तो हम इनको जो है कंटेनर में डाल के रख देते हैं, बच्चों को देने के लिए भी इजी होता है, स्कूल जा रहे हो टिफिन में दो रख दिए तो खा लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और हाँ, मेरी कुकीज़ को ज़रूर ट्राई करना, बहुत यमी होते हैं।